खबर पौड़ी से, नगर पालिका शहर के पॉकेट पार्किंगों का चिन्हीकरण करना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी। जिलाधिकारी ने बंदरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त पिंजरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला मुख्यालय पौड़ी में यातायात व्यवस्था, पार्किंग सहित अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय कक्ष में रेखीय विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर बने नए बस अड्डे के संचालन शुरू करने के लिए सभी स्टेक होल्डर से सलाह मशवरा करके फीडबैक लेते हुए एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने युवा नगर पालिका परिषद पौड़ी को शहर की आंतरिक सड़कों पर हर संभव पॉकेट पार्किंग को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने पौड़ी नगर क्षेत्र अंतर्गत बढ़ते बंदरों की संख्या पर काबू पाने के लिए ईओ को प्रभाव भी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदरों की शहर व कस्बा पर बढ़ती निर्भरता देशव्यापी समस्या है, जिसका समाधान स्थानीय स्तर के संसाधनों के निहित है। उन्होंने कहा कि अल्फा मेल बंदरों की नसबंदी करने से बंदरों की बढ़ती संख्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बंदरों को पकड़ने के लिए पर्याप्त पिंजरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। बंदरों की समस्या से निजात के लिए लेकिन कितने महीनों तक रिलीफ मिलेगा सब मुझे पता है, लेकिन कितने टाइम तक निजात मिलेगा? मतलब पिछली बार तो लगभग एक महीने तक ही रहा था, उसके बाद तो असर उसका खत्म हो गया था। जहाँ भी छोड़ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ जाने का, और उस टाइम छोड़ते हुए फोटो में कोऑर्डिनेट्स हमारे आदमी चले जाएंगे, आदमी तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में उसकी जीपीएस ट्रैकिंग भी जाएगी दोनों चीज। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।